हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है, मेरी बर्ड्स की खुराक आई हुई थी तो सोचा चलें ये भी डाल देते हैं और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करनी थी। अक्सर फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेजेस भी आए हुए थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स या फिर एग्जीबिशन की ब्रीडिंग के हवाले से हमें कोई बताएं, कोई वीडियो बनाएं। आज मैंने सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है, सिर्फ उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स के लिए ऑस्ट्रेलियन पैरट्स और एग्जीबिशन पैरट्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनका जो फ़र्क है उनके साइज़ का डिफरेंस। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है, बजीज जिनको हम कहते हैं, बजीज पैरट्स, उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये देखें जैसे आपको सामने नजर आ रहा है, इनका साइज थोड़ा छोटा होता है अकॉर्डिंग एग्जीब्यूशन और किंग एग्जीब्यूशन और सिंपल ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। ये होते हैं बेसिक सारी ये जो वेराइटीज है, बजीज कहलाते हैं सारे बजीज पैरट्स। बाकी फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, मैंने आपको बताना है कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे बर्ड जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जिनको हम बजीज कहते हैं वो, या एग्जीब्यूशन या फिर किंग एग्जीब्यूशन, किंग थोड़ा छोटा होता है, एग्जीब्यूशन का साइज थोड़ा बड़ा होता है और ऑस्ट्रेलियन सबसे छोटा पैरट होता है। ये सब एक ही वेराइटीज़ हैं, एक ही फैमिली से इनका लिंक है। तो फ्रेंड्स, खैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है ब्रीडिंग का, कि बर्ड्स जो पैरट्स ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ब्रीड क्यों नहीं करते, इनको एक तो केज का डिफरेंस होता है। हम है ना अक्सर छोटे से केज में ना उनको रखते हैं, जो होती है फ्लाइंग, जो बर्ड्स फ्लाइंग करता है वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उनको सबसे पहले केज, उनका केज ढाई बाई ढाई करें या फिर तीन बाई तीन का केज दें या इस तरह का कोई केज साइज दें जिसमें बर्ड को है ना प्रॉपर उसको उसको फ्लाइट मिले, वो उड़े अच्छा, उसको मतलब एक्टिविटीज उसकी अच्छी रहे। सेकेंड, ये आपने उनको है ना उनको सॉफ्ट फूड उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कराएं, को गंदम भिगो के, लेट्स सपोज अगर आपने एक दिन को अगर भिगोई है, सुबह भिगोई है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप उनको वो दें, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें, उसमें गंदम उसको दें या फिर बॉयल राइस होते हैं, आप अपने बर्ड्स को बॉयल राइस दें या फिर वेजिटेबल्स के तौर में पालक बहुत कॉमन है और वो बहुत अच्छा ईजिली मिल जाता है हर जगह से, पालक का इस्तेमाल अपने बर्ड्स को कराएं। उनका शेड्यूल बना ले डे बाई डे, कुछ दिन एक दिन गंदम दें, एक दिन बॉयल राइस दें, एक दिन आप पालक दें और कोई भी मतलब घर में हरा धनिया पुदीना कोई भी चीज़ें छोटी मोटी पड़ी होती हैं तो ये आप अपने बर्ड्स को दें, तो इंशाल्लाह ये ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। जो छोटे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं, अगर आप उनको मटकी लगा दें, यानी जिसको हम हांडी कहते हैं, वो तो उसमें भी ब्रीड कर जाते हैं, लेकिन जो एग्जीब्यूशन होते हैं उनके लिए आप उनका एक स्पेसिफिक होता है, ब्रीडिंग के लिए उनका एक बॉक्स होता है, आप उनको बॉक्स प्रोवाइड करें, उसमें वो ब्रीड करते हैं। उनको जो एग्जीब्यूशन होते हैं उनको आप बॉक्सेस दें, इंशाल्लाह वो उसके अंदर ब्रीड करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए आप इनको जो नेचुरल इनको डाइट दें, जो जैसे विटामिन जिस चीज़ों में होता है, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, चुकंदर को छोटा छोटा कद्दूकश कर लें, जैसे आजकल का सीज़न है गाजर और चुकंदर, वो चीज़ें भी मिक्स करके आप इनका ना वीकली शेड्यूल बना लें, उसमें आप अपने बर्ड को ये दें, एग एंड ब्रेड दें, एग ब्रेड तो लाजमी दें, जो एग एंड ब्रेड होता है वो तो बर्ड को हीट प्रोवाइड करता है और इनके लिए भी अच्छा होता है, वो बर्ड को ना ब्रीडिंग मोड में लेकर आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।